अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज किस वीडियो में हम आपको नुसरत अली फ़तेह की बेटी की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम मालूमात से आगाह करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नुसरत अली फ़तेह खान की बेटी आज किस हाल में है। आगे चलकर हम आपको नुसरत अली फ़तेह की बेटी के बारे में मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। नुसरत फ़तेह अली खान की प्यारी बेटी निदा नुसरत थी। नुसरत फ़तेह अली खान अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते और वो हर वक्त मौसीकी बनाने में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन जब भी मौका मिलता ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारते थे। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों बाप बेटी कई बार बैरून मुल्क भी साथ जाते थे। निदा की माँ इस पर थोड़ी सी सख्ती करती थी, लेकिन जब नुसरत फ़तेह अली खान को पता चलता तो वो उसकी माँ को डांटते और निदा के ऊपर सख्ती ना करने का कहते थे। ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों का साथ बहुत ही कम अरसे तक रहा। निदा अभी बहुत ही छोटी थी जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। निदा की फैमिली के लिए अचानक इनके घर के सरबराह का इंतकाल कर जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। ऊपर से इनके रिश्तेदारों ने भी इनको छोड़ दिया, इसीलिए इनकी फैमिली कनाडा चली गई और निदा ने वहीं से अपनी तालीम हासिल की और कई साल वहीं पर ही रही। निदा के वालिद के एहसासे को राहत फ़तेह अली खान और उनकी दीगर फैमिली इस्तेमाल करती रही, उनके गाने गा गा कर हिट होती रही और करोड़ों रुपए कमा लिए। उन्होंने नुसरत का फन भारत को बेच दिया और बड़ी वाह वाह हासिल की, मगर जो इस विरसा की असल हकदार थी वो कई साल गुमनामियों में गुजारती रही। चंद साल पहले निदा पाकिस्तान में आई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शदीद दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोग मेरे वालिद के गीतों को बेचकर पैसे कमाते रहे जबकि इनकी असल हकदार मैं हूँ और ये मेरी विरासत है और इसकी वारिस भी मैं हूँ, लेकिन इन लोगों ने यह सब मुझसे छीन लिया। निदा इस कोशिश में थी कि वो अपने वालिद के गीतों को महफूज कर सकें और इनको कापी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकें, लेकिन इसी दौरान उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया और उनकी मुहिम अधूरी रह गई और लोग आज नुसरत फ़तेह अली खान के गानों को कॉपी कर करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। राहत फ़तेह नहीं, नुसरत फ़तेह अली खान से गाने सीखे और उन्हीं के वसीलों से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उन गानों की असल वारिस आज लंदन में मुकीम है और कोई नहीं जानता कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है। आपको ये सब जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना।